2022 की शुरुआत हो गई है और जिन लोगों को इस साल में सोलर पैनल लगाना है वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई सोलर सिस्टम जो है वो इस साल लगाना है, तो कौन सा सोलर सिस्टम लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2022 का सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा गारंटी वाला, सबसे बेहतरीन सिस्टम कौन सा होने वाला है, उसकी क्या कीमत रहने वाली है 2022 में, और आपको क्या क्या एडवांटेज इस पैक से मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर में इस तरह के लोड हैं कि भाई एक एयर कंडीशनर है और दिन भर एयर कंडीशनर चलना है, सोलर का एयर कंडीशनर है, 1 HP से लेके 1.5 HP का समरसेबल पंप है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे लोग जिन लोगों के 10 से 12 यूनिट का उनका पर डे का कंजप्शन है, उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि भाई वो 2.5 KVA सिस्टम पर भी जा सकते हैं और 3 KVA सिस्टम पर भी जा सकते हैं। तो आज इस पैक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2.5 KVA पे ना जाके आप 3 KVA अगर सिस्टम पे जाएंगे तो वो आपको लगभग कीमत तो उतनी में ही पड़ जाएगा, पर उसके क्या क्या एडवांटेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों की जरूरत जो है वो है 10 से 12 यूनिट की पर डे की, उन लोगों को ये पैक लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो पैक है ये ट्रेडिशनल पैक नहीं है, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि 3 KVA के बहुत सारे आपने YouTube पे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे शॉपकीपर्स के पास आप गए होंगे कि भाई मेरे को 3 KVA का सिस्टम लेना है, तो उन्होंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया होगा। पर मैं जो तरीका आज आपको बताने वाला हूँ, ये जो पैक बताने वाला हूँ, ये स्पेशल है। तो इस स्पेशल पैक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2.5 KVA के बजाय आपको 3 KVA का सोलर PCU दे रहे हैं। अब 2.5 KVA के सोलर PCU में हम लोग दो बैटरी ऑफर करते हैं कि लेड एसिड की आप दो बैटरी लगा सकते हैं और करीब 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। पर 3 KVA के सिस्टम में आप करीब 2400 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आपको दो बैटरी लगानी पड़ रही है 2.5 KVA पे, पर यहाँ पे मात्र आपको सिर्फ एक ही बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये मैं आगे आपको पैक में पूरा डिस्क्राइब करूँगा। तो इस पैक में हम 2.5 KVA के बजाय 3 KVA को लेकर चल रहे हैं 10 से 12 यूनिट के लिए। अब ये जो PCU है, ये PCU ट्रू MPPT का सोलर PCU है जिसके ऊपर आप 3000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अभी इस पैक में तो हम आपको पैनल जो है वो कम दे रहे हैं, पर अगर आप चाहें इन फ्यूचर की भी कि आपका लोड बढ़ा फ्यूचर में, और फ्यूचर में लोड बढ़ के आप कैसे काम करेंगे, तो उस कंडीशन में आप अपने पैनल्स जो हैं वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये जो PCU है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लिथियम कंपेटेबल PCU है, कि इस पर आप आज लेड एसिड बैटरी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, वरना आप लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कि आप चाहें तो लेड एसिड बैटरी भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो लिथियम बैटरी भी यूज कर सकते हैं। सुपर MPPT इसके अंदर लगा हुआ है, और ये जो PCU है 2400 वाट तक का लोड आप इससे लिफ्ट कर सकते हैं, 3000 वाट का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये इस पैक की सबसे पहली बात। अब इसी पैक में हम लोग जो दूसरी चीज़ दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको बाईफेशियल पैनल, एन टाइप का ये बाईफेशियल पैनल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है बाईफेशियल पैनल, और बाईफेशियल पैनल में भी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है एन टाइप बाईफेशियल पैनल। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको हाफ कट पैनल के साथ में जाना चाहिए या फुल कट पैनल के साथ में जाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि जो हाफ कट पैनल होता है वो फुल सेल से ही बनता है। तो अगर आपको जेन्युइन एक प्रोडक्ट के साथ में जाना है तो आप फुल सेल के साथ में आप जाइएगा। 420 वाट का नेक्सस का ये पैनल है जिसका फ्रंट साइड 420 वाट है, ओवरऑल प्रोडक्शन 560 वाट तक इस पैनल का हो सकता है। और ये जो पैनल है इसका सबसे अच्छी बात यह है कि 30 साल की वारंटी आप लोगों को मिलती है। इसी के साथ अगर डिग्रेशन की बात करूं मैं, सेल्फ डिग्रेशन कितना होता है, तो अगर आप पी टाइप का बाईफेशियल पैनल यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सेल्फ डिग्रेशन रेट होता है वो 2 से 3% साल का होता है, कि 2 से 3% साल में वो डिग्रेड हो जाता है, पैनल सेल्फ डिग्रेशन रेट है। पर अगर एन टाइप बाईफेशियल पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डिग्रेशन मिलता है वो मिलता है मात्र 0.3% साल का, मतलब 1% भी नहीं है। तो इसलिए एन टाइप जो बाईफेशियल पैनल्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और लो लाइट कंडीशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको बेस्ट ही लेना है तो आप बाईफेशियल पैनल के साथ में जाइए, एन टाइप बाईफेशियल पैनल के साथ में जाइए। तो इस पैक में हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 4 बाईफेशियल पैनल, 420 वाट का एक पैनल है, और ये जो पैनल है ये इतना कैपेबल है कि आपको 10 से 12 यूनिट पर डे का ऑन ईयरली साल में अगर एवरेज में हम जनरेशन माने तो इतना जनरेशन आपको मिल जाएगा।
इन चार पैनल से ही। अब अगर आपका माना कि बढ़ जाता है, आपको लगता है कि आपको 15 से 17 यूनिट की आवश्यकता है, तो आप इस पर 2 पैनल और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारा पीसीयू है वो इतना कैपेबल है कि उसमें अगर आप 2 पैनल और भी एक्सटेंड कर देंगे तो पीसीयू के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बाईफेशियल पैनल लगाने का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि आपको जो नंबर ऑफ पैनल हैं वो कम लगे, स्पेस आपका कम खर्च हुआ, छत आपकी कम खर्च हुई, और बाईफेशियल पैनल के नीचे आप छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं, आप उसके नीचे सब्जियां उगा सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं। स्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी कम आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम आती है। स्ट्रक्चर अब आप मना 10 यूनिट का आपको जनरेशन लेना है तो आप ट्रेडिशनल अगर पूली पैनल पर जाएंगे तो करीब करीब आपको 9 पैनल लेने पड़ेंगे, 330 वाट का एक पैनल है, तो वहाँ पे 8 से 9 पैनल आपको लेने पड़े, 3 किलोवाट आपको पैनल लेना पड़ेगा तब आपको 10 से 12 यूनिट मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2 किलोवाट में ही आपको 10 से 12 यूनिट का जनरेशन मिल गया। तो 9 पैनल या 8 पैनल को होल्ड करने के लिए आप समझिए कि स्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा, पर यहाँ पे 4 पैनल होल्ड करने हैं तो स्ट्रक्चर आपका कम लगा। तो पैनल बेशक थोड़ा महंगा है पर स्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी कम लगी, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, आपको जो रेगुलर क्लीनिंग करनी है वहाँ पे 8 पैनल की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ 4 पैनल की ही आपको क्लीनिंग करनी पड़ रही है। वहाँ पे लो लाइट कंडीशन में अगर आप पोली पैनल्स लेते हैं तो लो लाइट कंडीशन में वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, पर यहाँ पे क्या है कि लो लाइट कंडीशन में भी बाईफेशियल पैनल के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन मिलता रहता है। अब इस पैक में जो है वो नेक्स्ट क्या है, वो नेक्स्ट है इसके अंदर बैटरी, और जो बैटरी है इसकी वो ट्रेडिशनल बैटरी हम लोग इसमें नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसमें आपको दे रहे हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी। मतलब ये बैटरी जो है, जैसे कि आप अभी सुनते होंगे कि लिथियम आयन, तो लिथियम आयन बैटरी नहीं है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। अब चूंकि जनरल बोलचाल में लिथियम आयन बैटरी ही बोला जाता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। और ये जो बैटरी है ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि लिथियम जो आयन बैटरी है उससे जस्ट डबल इसकी लाइफ होती है। और इसका जो हम आपको इस पैक में ऑफ़र कर रहे हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको कि 100 AH और 48 वोल्ट की बैटरी हम आपको इस पैक में ऑफ़र कर रहे हैं। अब इस बैटरी से आपको करीब 4300-4400 वाट तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। 4300-4400 वाट का मतलब ये है कि अगर आप मतलब 400 वाट का आप घंटे का आप लोड चला रहे हैं तो करीब आपको 10-11 घंटे आपका लोड जो है वो चल जाएगा, तो इतना बैकअप ये देती है। इस बैटरी की सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि अगर आपका सोलर जो आपने 4 ही पैनल लगा रखे हैं तो करीब 4 घंटे में ही ये बैटरी फुल हो जाएंगी, क्योंकि ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है जिसका DOD जो है वो 90 से लेकर 95% तक होता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है इसका वो 90 से लेकर 95% तक होता है। जबकि लेड एसिड अगर बैटरी है आपकी तो उसमें आप डालेंगे 100, मतलब आपने 100 वाट अगर इसके अंदर डाले तो आप मैक्सिमम उससे 60 वाट ही निकाल पाते हैं, पर यहाँ पे आपने 100 वाट डाला तो आप 90 से लेकर 95 वाट तक निकाल लेते हैं, जिससे कि ये है कि आपके जो एनर्जी लॉसेस हैं वो एनर्जी लॉसेस कम होते हैं, शॉर्ट टाइम में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगर आपने सोलर भी नहीं लगाया है, आप नॉर्मल ग्रिड से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो भी ये बैटरी आपकी एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगी। तो इस बैटरी का जो सबसे बढ़िया एडवांटेज है वो ये है कि शॉर्ट टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में। दूसरे नंबर आपको स्पेस आपका बहुत कम खर्च होगा, जरा सी जगह में आपका लग जाएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वाटर नहीं देखना है आपको बैटरी के अंदर, कोई सल्फेट क्रिएट नहीं होगा। और इंडिया में पहली बार इस बैटरी की जो है हम लोग 15 ईयर्स की वारंटी कर रहे हैं कि भाई अगर हमारी बैटरी 15 साल के अंदर ख़राब हो जाती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम आपको नई बैटरी दे देंगे। तो आपकी जो बैटरी है उसकी वैल्यू जो है वो 50% रह जाएगी अगले 15 साल तक। जो फ्री वारंटी है वो 3 साल हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेंज कर देंगे, और 15 साल के अंदर आपको 50% पे हम लोग बैटरी चेंज करके दे रहे हैं। ये जो 15 साल मैं आपको बता रहा हूँ बैटरी की लाइफ, एक्चुअल में इसकी बैटरी की जो गारंटी है वो 15 साल है, पर लाइफ की अगर बात करो तो 20 साल से भी ज़्यादा ये बैटरी आपकी चल सकती है, 25 साल भी ये बैटरी चल सकती है, क्योंकि ये बैटरी जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो करीब 2000 से 2500 लाइफ साइकिल इस बैटरी का होता है। हम लोग जो यूज करते हैं साइलिस के अंदर वो 2500 लाइफ साइकिल वाला साइलिस के अंदर यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है एडवांटेज ये है कि अगर लेड एसिड बैटरी से आप कंपेयर करेंगे तो 3 से 4 गुनी लाइफ आपको मिल जाती है, पर अगर पैसे की बात करेंगे तो बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट लेड एसिड से 1.75 टाइम ही महंगी है, मतलब 2 गुना भी महंगी नहीं है, 1.75 टाइम्स ही महंगी है।
तो अगर डबल की भी बात करो तो कॉस्ट आप अपने डबल भी दी पर लाइफ आपको 4 गुनी ज़्यादा मिल जाती है। तो भी आपको लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में अगर आप लिथियम के साथ जाते हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। तो ये रहा इसके अंदर तीसरी चीज़ कि भाई इसके अंदर हम आपको बैटरी कौन सी दे रहे हैं। अगर आप चाहें कि आपको जो है लेड एसिड बैटरी लेनी है तो नंबर ऑफ़ बैटरीज आपको 4 लेनी पड़ेंगी और आप 150 से 200 Ah की कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। यहीं पे जिन लोगों को ज़्यादा बैकअप चाहिए, जिन लोगों का ये है कि भाई नाइट को अभी हमारे 4500 वाट जो है बैकअप कम है, आपको 9000 वाट का बैकअप चाहिए, तो आप इसमें बैटरी 100 Ah की बजाय आप 200 Ah की बैटरी भी ले सकते हैं। आप अगर हमें बोलेंगे तो हम आपके हिसाब से वो पैक को कस्टमाइज करके दे देंगे। तो इसी के साथ हम लोग इसमें वायर्स और कनेक्टर्स दे रहे हैं जो आपके इंस्टॉलेशन में यूज़ होने वाले हैं। और बचता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैं अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है आप हमसे चाहेंगे तो हम भी दे देंगे, बाकी आप लोकली आप अपने वहाँ जो लोकल फैब्रिकेटर होते हैं अगर उनसे आप स्ट्रक्चर अपना लगवा लेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और अपने हिसाब से आप मजबूत भी उसको लगवा पाएंगे। तो स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम लोग आपको दे रहे हैं, आपको किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है उसका पूरा डिज़ाइन हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारे डीलर से लगवाते हैं, जो हमारे आपके जो भी आपके नियर में हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे लगवाते हैं तो वो तो स्ट्रक्चर वगैरह आपको सब लगा के भी दे देंगे। पर अगर आपके नियर में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारा नहीं है, देन आप कंपनी से अगर सीधा लेना चाहते हैं तो आपको हम डिज़ाइन भी प्रोवाइड कराएंगे कि आप इस तरह जो है अपना पैनल लगवा सकते हैं। तो बात आ जाती है कॉस्ट की कि इस पैक की जो है वो कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो 2022 में इस पैक की जो कॉस्ट है वो रहने वाली है 1,98,000 रुपये, 1,98,000 रुपीज़ विदाउट GST। मतलब ये इस जो पैक है जो मैंने आपको बताया इसकी कॉस्ट है। अब चूंकि बिना GST के तो हो नहीं सकता है, तो इस पे 12% अगर हम GST को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट बैठ जाती है लगभग 2,22,000 रुपये। तो 2,22,000 रुपये में आपको इंक्लूडिंग GST ये वाला पैक जो है ये 2022 में मिल जाएगा। 10 से 12 यूनिट आपको पर डे का जनरेशन की हम लोग गारंटी करते हैं अगले 30 साल के लिए। बैटरी की 15 साल की वारंटी है, PCU की 2 साल की वारंटी है। और इतनी गारंटी में इस रेट में आपको इंडिया में कहीं किसी कंपनी का पैक नहीं मिलने वाला है। आप पूरा गूगल कर लीजिएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ये सबसे बेहतरीन पैक है आप लोगों के लिए, सबसे सस्ता पैक है और वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में आपको देखना ही नहीं है कि कब आपकी बैटरी ख़राब हो रही है और कब आपका पैनल, ना कभी आपका पैनल ख़राब होना है आसानी से 15-20 साल, और ना कभी आपकी बैटरी ख़राब होनी है। तो फ्रेंड्स, अब आपका एक सवाल होगा कि इस पैक को आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इस पैक को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाइएगा। वहाँ पे डीलर लोकेटर के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे तो हमारे जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके नियर बाई हैं उनके नाम और नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन नंबरों पे कॉल करके आप हमारे जो डीलर हैं उनसे आप ये सारा सामान, ये पूरा पैक जो है वो आप बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिरी तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।